अगर हो सकता है तो जब भी हम लोग मेडिटेशन कमेंट्रीज कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट आप हिले नहीं, या फिर थोड़ा सा मूवमेंट्स करते हैं तो शायद आपके बाजू में कोई बैठा है तो उसको डिस्ट्रैक्ट हो। तो व्हेनेवर जब तक कमेंट्री चल रहा है तब तक आप हिलो नहीं। आपको बाहर भी अगर जाना होगा तो एक वो मेडिटेशन कमेंट्री होने दो, फिर आप चले जाना भले। ओके, बिकॉज आपके साथ जो भी बैठे हैं शायद वो थोड़ा अनुभव कर रहे हैं कुछ चीज़, और फिर आप जाते हैं उनको उनके आसपास से तो फिर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो विल डू वन सिंपल एक्सरसाइज एंड देन वी स्टार्ट। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप आंखें खुली नहीं रख सकते हैं, जस्ट क्लोज योर आइज एंड आपको आपका पूरा ध्यान जो है बस मेरी आवाज़ पे हो। ठीक है, एंड मेडिटेशन लैब में हम अभी तक जितना सुना उतना ही अपने लिए लेक्चर था आज, बाकी हम लोग थोड़ा कमेंट्री के आधार से एक्सपीरियंस करते जाएंगे। ठीक है, ओम शांति। गहरी सांस लेते हुए अपने आप को कंफर्टेबल करें। अपनी सांस को बहुत ध्यान से देखें। अपने आप को कंफर्टेबल होते हुए जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, अब ले चले अपने को कोई ऐसे इवनिंग के टाइम पे, शाम के समय, लेट इवनिंग्स, जब आप खुले आसमान के नीचे थे। देखिए ऊपर टिमटिमाते हुए तारे, और देखिए नीचे अपने आप को। बहुत अच्छी ठंडी हवा और ऊपर खुला आसमान, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं ऊपर सितारों को। उसमें से एक सितारा आपको बहुत आकर्षित कर रहा है, टिमटिमाता हुआ बहुत सुंदर सितारा। अब देखिए उसी सितारे को धीरे धीरे नीचे की ओर आते हुए, बहुत ध्यान से देखना आसमान का ये सितारा धीरे धीरे उतर रहा है नीचे की ओर, आकाश से नीचे, और अगर सेट हो गया आपके मस्तक के बीच जहां आप तिलक लगाते हैं। देखिए अपने चेहरे को, जैसे ही ये सितारा आपके मस्तक पर आ बैठा, आपका चेहरा चमक रहा है इस सफेद लाइट में, और धीरे धीरे ये प्रकाश जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं वैसे वैसे फैलता जा रहा है आपके चेहरे पर, आपके पूरे शरीर में। और आपसे ये लाइट फैल रही है चारों ओर, एक शुभ्र प्रकाश आपके मस्तक से, आपके शरीर से चारों ओर फैलता जा रहा है। आपको बहुत हल्का, बहुत लाइट अनुभव करा रहा है। आपका मन बिल्कुल शांत हो गया और स्थिर हो गया। सारी हलचल समाप्त हो गई।
धीरे धीरे आ जाए वापस इस हॉल में। ओम शांति। ओम शांति। सभी साथ में थे पक्का? ओम शांति। ओम शांति। ओके चले आगे। ओके तो सितारा आ गया, अभी हमको इसी सितारे के साथ थोड़ा क्या करेंगे, खेलेंगे। खेलना अच्छा लगता है सबको? हाँ, जैसे शरीर से भाग दौड़ करते हैं तो खेलते हैं ना, मजा आता है। तो ऐसे अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा मन की डांस करेंगे, थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है? अपने मन को क्या करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे जर्नी पे लेके जाएंगे और उसके साथ क्या करेंगे, खेलेंगे और योग का अनुभव भी करेंगे, ठीक है? लोग कहते हैं ना बहुत मुश्किल होता है मन को संभालना, हाँ आज हम उसको संभाल के दिखाएंगे। हाँ सब लोग के साथ में, वेरी गुड वेरी गुड, चलो अच्छा है। तो हम लास्ट सेशन का एक्सरसाइज करते हैं, जो लास्ट एक्सरसाइज था होमवर्क के लिए। सबने किया लास्ट सेशन में जो आए थे? 8 times मैंने बोला था आपको दिन में एक्सरसाइज करना है, किस किस ने किया? 8 बारी दिन में एक बार करते थे, चलो बहुत अच्छा। अच्छा उससे ज्यादा किसी ने किया? अच्छा लास्ट सेशन से अभी तक एक बार किया? नहीं किया, किया। चलो अच्छा है। तो देखो स्कूल में आते हैं ना, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना बाहर विश्वविद्यालय है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा पढ़ना चाहिए ना। पढ़ेंगे सभी अभी इस सेशन का होमवर्क करेंगे पक्का? हाँ कुछ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट सेशन में आए इस सेशन में गायब, होमवर्क दिया तो गायब छुट्टी ले लेते हैं, हाँ ऐसे नहीं करेंगे ना पक्का? आवाज ही नहीं आ रही होमवर्क बोले तो मतलब छोटे बच्चे भी डरते हैं और बड़े भी, देखो होमवर्क बोले तो सो चलो अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा होमवर्क ये, ठीक है? सिट स्ट्रेट, आराम से एकदम कंफर्टेबल होके बैठ जाएं। जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हो, अगर चेयर पे बैठे हैं तो आपका फीट जो है एकदम फ्लैट रखो जमीन पे, ताकि दोनों पैरों पे इक्वल बैलेंस हो, क्योंकि थोड़ा एक के ऊपर एक पैर डाल के बैठते हैं तो थोड़ा टाइम बाद थोड़ा एक पैर सुन्न हो जाता है ना, तो इसीलिए इक्वल बैलेंस हो। इस हिसाब से आपका अलाइनमेंट जो है बैक का, हेड चेस्ट और वो बैक का थोड़ा सा अलाइनमेंट अच्छा रखो स्ट्रेट, और योर हेड योर चिन लाइक दिस स्ट्रेट, ताकि फिर ऐसे नहीं होगा ना, इसलिए। क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। देखिए आपके मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा, ये सितारा शांति का सितारा है, शांति की लाइट फैलाने वाला एक बहुत सुंदर स्टार। बहुत ध्यान से देखिए इसे और देखिए इसकी लाइट फैलते हुए आपके मस्तक पर, आपकी आंखों पर, आपके पूरे चेहरे पर। अब ले चले इस सितारे को अपनी आंखों के पीछे, मस्तिष्क के मध्य में, जैसे कोई अंधेरे कमरे में एक ज्योत जगमगा रही हो, जैसे कोई हीरा चमक रहा हो, अब हमें इस लाइट को, इस मणि के शांति के प्रकाश को हर एक ऑर्गन पर फैलाना है। देखिए इस सितारे की लाइट पूरे ब्रेन पर फैल रही है, आपका लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, ऊपर चारों ओर सफेद शांति की लाइट,
देखिए धीरे धीरे इस प्रकाश को फैलते हुए आपकी आंखों पर, आपकी लेफ्ट आंख, राइट आंख, देखिए इस लाइट को फैलते हुए अंदर से आपके नाक पर, आपके मुख में, दांतों की लाइन, सफेद लाइट है, आपकी जीभ, आपके गाल, अंदर से आपका पूरा मुख सफेद लाइट में, शांति की मणि, शांति की लाइट फैला रही है। फैला इस लाइट को आपके कानों पर, आपका लेफ्ट कान, कान का पर्दा, राइट कान, कान का पर्दा, देखिए अंदर से आपका पूरा सिर, हर एक सेल सफेद शांति की लाइट में, बहुत सुंदर सितारा हर एक ऑर्गन को प्रकाशित कर रहा है। अब हमें इस शांति की लाइट को पूरे शरीर में फैलाना है। धीरे धीरे देखिए आपके सिर से ये लाइट आपके गले के थ्रू नीचे उतर रही है और फैल रही है पूरे चेस्ट में, लंग्स में। देखते रहिए इस प्रकाश को फैलते हुए। देखिए इस मणि की लाइट फैल रही है आपके हार्ट पर, शांति का प्रकाश आपके पूरे हार्ट पर फैलता जा रहा है। धीरे धीरे देखिए इस लाइट को नीचे उतरते हुए आपके लिवर पर, आपके पेट में, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, सफेद लाइट, देखिए आपके किडनी के फिल्टर्स सफेद प्रकाश में। अब देखिए इस मणि की लाइट फैल रही है आपके पैरों में, आपकी कमर से नीचे लेफ्ट लेग में। देखिए इस लाइट को फैलते हुए घुटने की ओर, घुटने से नीचे लेफ्ट पैर की उंगलियों तक। देखिए आपका राइट लेग, देखिए इस सफेद प्रकाश को फैलते हुए कमर से नीचे घुटने की ओर, घुटने से नीचे राइट लेग की उंगलियों तक। अब देखिए इस लाइट को फैलते हुए आपके दोनों हाथों में, आपका लेफ्ट हैंड, देखिए शोल्डर से नीचे ये लाइट नीचे उतर रही है। लेफ्ट हैंड की उंगलियों तक, आपका राइट हैंड, देखिए शोल्डर से नीचे ये लाइट को फैलते हुए राइट हैंड की उंगलियों तक। देखिए आपके शरीर में ये शांति की मणि, शांति का प्रकाश पूरे शरीर में फैला रही है। शरीर का अंग अंग प्रकाशित हो गया और उसकी लाइट शरीर के बाहर लगभग 6 इंच फैल रही है।
शरीर के अंदर की लाइट आपके शरीर के दर्द को ठीक करती जा रही है। सभी बीमारियों से मुक्त करती जा रही है। आप बिल्कुल स्वस्थ, तंदुरुस्त, हेल्दी बनते जा रहे हैं और शरीर के बाहर की लाइट आपको सभी विघ्नों से, परेशानियों से बिल्कुल सेफ, बिल्कुल सुरक्षित अनुभव करा रही है। आप बहुत शांत और शक्तिशाली अनुभव कर रहे हैं और आपसे शांति के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। आ जाए वापस इस हॉल में। ओम शांति। चलो आगे चले, अभी इस सेशन की एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है? तो जैसे हम लोग लास्ट टाइम जैसे थोड़ा सा माइंड के बारे में समझा था, तो अभी थोड़ा ये समझना जरूरी है कि जैसे हम लोग देखो माइंड के थ्रू हर एक चीज को जैसे अभी विजुलाइज कर पा रहे हैं, है ना? तो इसके साथ साथ जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं तो वो कहाँ स्टोर होते हैं? माइंड में स्टोर होते हैं। अच्छा चलो, इसके डिटेल में तो नहीं जाएंगे अभी, लेकिन हमारे एक होता है माइंड होता है, दूसरा क्या होता है? हाँ, बुद्धि, इंटेलेक्ट होता है, है ना? इंटेलेक्ट में क्या होता है, हम लोग इंटेलेक्ट की बात करते हैं बराबर, तो इंटेलेक्ट के बारे में आपका क्या कहना है, क्या समझते हैं उसके बारे में? राइट और रॉन्ग। हाँ, राइट और रॉन्ग, रीजनिंग कैपेसिटी, रीजनिंग कैपेसिटी है, राइट और रॉन्ग है, एक जजमेंट करते हैं हम लोग, है ना? तो ये इंटेलेक्ट में जो है, हम माइंड में क्या करते हैं, माइंड के थ्रू हम लोग हर एक चीज जैसे संकल्प करते हैं, थॉट्स क्रिएट होते हैं बहुत सारे, है ना? तो ये थॉट्स जनरेट करने वाला मशीन माइंड है, और इंटेलेक्ट क्या है? डिसीजन मेकिंग है। तो ये जो सारे हमारे एक्सपीरियंसेस है, सारे जो एक्सपीरियंसेस हम लोग देखते हैं या ये एक्सपीरियंसेस है, सारे सारा स्टोरेज जो है ना, स्टोरेज सिस्टम जो है वो कहाँ पे है? पूरा इंटेलेक्ट में भरा हुआ है। कोई भी फाइल आपको बोलेंगे बचपन की कोई बात याद करो, आपके स्कूल के टीचर ने आपको कैसे डांटा था, हाँ, कैसे किसी ने आपको एम्बेरस किया था, है ना, बचपन में, क्लास में, या कोई भी ऐसी बचपन की बात है, भले बहुत पुरानी है, बहुत बहुत पुरानी है, लेकिन बराबर वो इंटेलेक्ट क्या करेगा, माइंड ने थॉट क्रिएट किया तो इंटेलेक्ट बराबर वो फाइल ओपन करके आपको दिखा देगा, अच्छा ये पूरा हिस्ट्री है, देखो, है ना? तो जैसे आप अभी बैठे हैं ना, एक थिएटर स्टाइल में बैठे हैं, है ना? तो जैसे थिएटर में बैठते हैं तो आप देखना, ये खेल चलता रहता है ना, यहाँ से कोई थॉट आता है, फिर वहाँ से इंटेलेक्ट काम करता है, जैसे मूवी देखते हैं ना, सो हम लोग जो है एक अवेयरनेस, जो कॉन्शियसनेस है, वो जैसे थिएटर में बैठा है और मन खेल करता है, बुद्धि दिखाती है, तो ये खेल ऐसे चलता रहता है। तो हम जो देखते हैं वो किससे देखते हैं? हम विजुलाइज जो कर रहे हैं अभी वो किससे कर रहे हैं? मन की आंखों से। वेरी नाइस। सो हमारे माइंड में जैसे एक विजुलाइजेशन पावर है, तो वो विजुलाइज हमें माइंड के थ्रू हो रहा है, और फिर जिसको डायरेक्ट कर रहा है वो इंटेलेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आप जैसे यहाँ पे आए हैं तो साधन के यहाँ पे राजू का मेडिटेशन कोर्स होता है, तो उसमें आपको काफ़ी डिटेल में समझाया जाएगा, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके थोड़ा अनुभव में जाएंगे कि कैसे ये कार्य करता है और कैसे हम अलग अलग तरीके से विजुलाइज करके इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, चले आगे। yes. तो आज के दिन का एक थोड़ा लिटमस टेस्ट ले रहे हैं आप, मतलब कर पा रहे नहीं कर पा रहे, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? सो लेट अस सिट बैक अगेन, लेट्स डू अ शॉर्ट सिंपल एक्सरसाइज। लेट अस सिट बैक। अब यहां से ले चले अपने को कोई ऐसे गार्डन, कोई ऐसे बीच पर, या कोई और जगह जहां पे आपने
बहुत सारे कलरफुल, बहुत सुंदर सुंदर आकार के बलून्स देखे, गुब्बारे देखे। बहुत ध्यान से देखे इन कलर्स को, इन बलून्स को। अब उसमें से सेलेक्ट करें एक रेड कलर का बलून, एक लाल रंग का बलून, और पकड़े उसको अपने हाथ में। बहुत ध्यान से इसे देखना, इसके धागे को कैसे आपकी उंगलियों में आपने पकड़ा। उस धागे को फील करें, बहुत ध्यान से देखें उस धागे को, नीचे से ऊपर की ओर। और देखिए ऊपर आसमान में अपने आप को खींचता हुआ ये लाल रंग का सुंदर गुब्बारा, रेड कलर का बलून। अब उसे देखते हुए आ जाए वापस इस हॉल में। थैंक यू। ओम शांति। सबने बलून देखा? किस किसने देखा? चलो अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा, इससे अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, किसने नहीं देखा? हाँ, सबने देखा। अच्छा, वेरी गुड। तो ऐसे करो आप, मतलब ये जैसे लिटमस टेस्ट होता है ना, तो उसमें जैसे सब लोग पास हो गए, है ना? देखा ना सबने, धागे को फील किया। हाँ, चलो बहुत अच्छा, बराबर है, देखा ना? मुझे खुश करने के लिए तो नहीं बोल रहे आप? पक्का? वेरी गुड। तो चले आगे। ठीक है, अभी हमको वापस उस गुब्बारे को यूज करना है, ठीक है, और उस लाइट को उसके साथ जोड़ना है। जैसे एक आपने देखा होगा ना, कभी वीडियो शूट किया है? चलो, बड़े कैमरे से नहीं किया, मोबाइल से किया है। हाँ, मोबाइल से किया है तो कैसे एक एक विजुअलाइजेशन देखते हैं ना, समझ सकते हैं, जैसे लेंसेज के थ्रू आप देखते हैं, ऐसा ऐसी आप करते हैं। हाँ, तो उस लेंसेज के थ्रू हर एक चीज कैसे दिखती है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो इस तरह से हमको अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में कनेक्ट करना है अपने आपको। ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं, करेंगे ना? बैठ जाएंगे वापस। देखिए वापस उसी बलून को, और देखिए उस धागे को अपने उंगलियों के बीच, कैसे आपने उसे पकड़ा है। और धीरे धीरे उस धागे को नीचे की ओर लेकर आए। और धीरे से इस बलून को पकड़े अपने दोनों हाथों में, और देखे इस बलून को एकदम अपनी आंखों के सामने। ये लाल रंग का बलून, और देखिए आपके चेहरा, आपके मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा। देखिए इस सितारे को आपके मस्तक से उड़कर गया इस बलून के बीच में, और इस बलून के थ्रू देख रहा है चारों ओर, आसपास के लोग, आसपास के पेड़, हर एक चीज को लाल रंग में, जैसे आपने लाल रंग का चश्मा पहना हो, हर एक चीज आपको बिल्कुल लाल दिखाई दे रही है।
अब बहुत धीरे से इस बलून को अपने हाथों से छोड़ें। बहुत धीरे धीरे ये बलून चला ऊपर की ओर उड़ते हुए, और उसके बीच, उसके अंदर ये चमकता हुआ सितारा, ये सितारा इस बलून के अंदर से हर एक चीज को देख रहा है। देखिए धीरे धीरे ये बलून ऊपर की ओर उड़ते जा रहा है, और नीचे की हर एक चीज छोटी छोटी होती जा रही है। आसपास के लोग, आसपास के पेड़, आसपास के घर, सब छोटा छोटा होते जा रहा है, और ये बलून बहुत आराम से आसमान में उड़ता जा रहा है, जैसे कोई बलून के अंदर से वीडियो शूट कर रहा हो। ऐसे ही ये सितारा, ये कॉन्शियसनेस आसपास के हर एक चीज को रिकॉर्ड करती जा रही है, शूट करती जा रही है। देखिए धीरे धीरे अपने शहर को ऊपर से ये बलून चला और ऊपर बादलों के बीच, एकदम फ्री, एकदम लाइट। गहरी सांस लेते हुए आ जाए वापस इस हॉल में। थैंक यू। ओम शांति। वेरी गुड। बचपन में कहानियां सुनी है yes. सब स्टोरी सुनते सुनते ही पड़े हो ना। हाँ तो बोलो ना। सुना ही नहीं दे रहा एकदम। आप मतलब शांत हो गए, मुझे अभी डर लग रहा है आगे चले कि नहीं चले, करें आगे। किसी को लगता है कि भैया यहीं पे स्टॉप करो, बहुत हो गया, ऐसे कुछ है पक्का? ठीक है चलो। और तीन एक्सरसाइजेस है, मतलब ठीक है, तीन एक्सरसाइज तक चलेगा। ओके, अगर कभी भी आपको लग रहा है कि हाँ नहीं ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो बता देना, बताए ठीक है। ओके सो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, कहानियां सुनी है ना आपने, तो कहानियों में कौन कौन सी कहानी याद आती है आपको? नहीं, बचपन के टाइम में कौन सी आपको ऐसे ही पता है ना, एक बहुत अच्छी लगती है, एक इंटरेस्ट परियों वाली कहानी। चलो परियों वाली नहीं, अभी परी ज्यादा बोलते हैं लाइक। अच्छा चलो एक काम करते हैं, और सिंप्लीफाई कर देता हूँ इस चीज को। अलादीन की कहानियां सुनिए। हाँ, अलादीन की कहानियों में क्या अच्छा लगता है आपको? जिन अच्छा लगता है। अच्छा, जिन का, और अलादीन को और किसके साथ दिखाया है? हाँ, जस्ट चिराग के साथ दिखाया है। और किस पे? कार्पेट पे फ्लाई करते हैं। ओके चलो अच्छा है, तो कार्पेट, चलो कार्पेट ले लेते थोड़ा उनसे ऊपर से ना, नहीं तो फिर वो क्या बोला आपने, हाँ जैस्मिन वेसन में आया गया तो फिर ये हमारे थोड़े भाई लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हाँ मतलब बाकी चीज रहेगी साइड में, और ये जैस्मिन के साथ ही पता चलेगा कहाँ कहाँ घूम के आ रहे हैं। सो कार्पेट चलेगा? कार्पेट को यूज कर लेते हैं हम लोग आज, ठीक है। तो ऐसे हमको भी देखना है कि हम लोग कार्पेट विजुअलाइज करना है आपको, और फिर वो कार्पेट पे बैठ के हम थोड़ा शेयर करके आएंगे, चलेगा? थोड़ा बच्चे बन जाते हैं, बच्चे देखो कुछ भी चीज हो ना उसके साथ में खेलते खेलते कहाँ कहाँ उनका इमेजिनेशन पहुंच जाता है, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक चले जाते हैं, ठीक है। तो हम भी थोड़ा क्या करेंगे, मन को, बच्चा है ना तो गाना भी है ना, वो मन तो बच्चा है, हाँ तो बच्चे को थोड़ा अभी खिलाएंगे, मतलब घुमाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। बैठ जाए आराम से। और बहुत ध्यान से देखिए अपने आप को, कैसे आप अपने सीट पर बैठे हैं, हर एक चीज को ऑब्जर्व करें, आपके चेहरे को, आपकी ड्रेस को, जिस सीट पर आप बैठे हैं देखे उसे, और देखिए चारों ओर इस हॉल को, जैसे आपके सामने थोड़ा स्पेस है,
देखिए वहां पर एक बहुत सुंदर कार्पेट, आपके फेवरेट कलर का, फेवरेट डिजाइन का, आप धीरे से आपके चेयर से उठकर बैठ जाते हैं इस कारपेट पर और फील करें इस कारपेट को, बहुत सॉफ्ट, आपकी फेवरेट टेक्सचर या वेलवेट का। देखिए उसमें बहुत सुंदर डिजाइन है, सारे फेवरेट कलर्स जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं। जैसे आप इस कारपेट पर बैठे हैं, रिलैक्स करें अपने आप को और देखिए धीरे धीरे ये कारपेट जमीन से ऊपर उठ रहा है और इस पूरे हॉल में धीरे धीरे चक्कर लगा रहा है। और चक्कर लगाते हुए सामने के दरवाजे से बाहर एंट्रेंस के थ्रू चला बाहर की ओर, धीरे धीरे इस बिल्डिंग के ऊपर। देखिए नीचे इस पूरे बिल्डिंग को और चक्कर लगाए इस बिल्डिंग के ऊपर। देखिए आसपास की बिल्डिंग्स, आसपास के पेड़, इसके बाजू में जो हिल्स है वहां का ग्रीनरी, हर एक चीज को आप देख रहे हैं। देखिए इस कारपेट पर बैठे बैठे आप और ऊपर की ओर उड़ते जा रहे हैं और देख रहे हैं नीचे की हर एक चीज को छोटी छोटी होते हुए। अब यहां से ले चलिए अपने को आपके अपने घर, घर के ऊपर। देखिए ऊपर से आपका घर, आपका बिल्डिंग, आसपास के बिल्डिंग्स। अब ले चले यहां से अपने को पूरे शहर में, आपकी सारी फेवरेट जगह आप ऊपर से देख रहे हैं, चक्कर लगाएं और ऊपर से देखिए हर एक चीज को। जैसे आप ऊपर से चक्कर लगा रहे हैं, चलिए और थोड़ा ऊपर खुले आसमान में। जैसे जैसे आप ऊपर उड़ रहे हैं, नीचे की हर एक चीज छोटी छोटी होती जा रही है। आप एकदम ऊपर हर एक गांव, हर एक शहर को देख रहे हैं खुले आसमान में और ऊपर की ओर, सफेद बादलों के बीच रास्ता निकालते हुए आप चलते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे आ रहे हैं नीचे की ओर और चले गांव की ओर। देखिए दूर दूर तक हरे खेत, ठंडी हवा और बहुत शांत। वहां से चले कोई घने जंगलों के बीच में, बहुत घना जंगल, पंछियों की आवाज, पत्तों की आवाज और इन पेड़ों के बीच में से आप उड़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस करते हुए चले ऊपर की ओर आकाश में, चले कोई सागर के किनारे, बहुत ठंडी हवा, लहरों की आवाज और एकदम शांत। सागर किनारे जैसे स्थिर हो गए, मन की हलचल समाप्त हो गई। थोड़ा समय यहां से चले ऊपर की ओर आसमान में। अब चले आगरा के ताजमहल के ऊपर, इस कारपेट पर बैठे बैठे आप बहुत फास्ट उड़ते जा रहे हैं। वहां से चले इजिप्ट के पिरामिड्स की ओर,
देखिए ऊपर से पिरामिड्स को, उसके टिप को टच किया और चले आसमान में एकदम फ्री। वहां से चले आए वापस हिमालय की पहाड़ों के बीच, बहुत ठंडा मौसम, ठंडी हवा। वहां से चले नाइजीरिया के वाटरफॉल्स के बीच। आप वो वाटरफॉल्स के बीच से जा रहे हैं उस पानी के गीलेपन के महसूस करते हुए, वापस खुले आसमान में ऊपर चले आईफिल टावर की ओर, उसको गोल गोल चक्कर लगाते हुए सबसे ऊपर। वहां से चले ऊपर बादलों के बीच, दूर दूर तक ये बादल और आप उसके बीच में से जा रहे हैं। वापस धीरे धीरे बादलों से आए नीचे की ओर, खुले आसमान से नीचे, बहुत धीरे धीरे अपने शहर के ऊपर गोल गोल चक्कर लगाते हुए आ जाए वापस इस बिल्डिंग के ऊपर। पूरे बिल्डिंग के ऊपर चक्कर लगाए धीरे धीरे मेन एंट्रेंस से। देखिए अपने आप को आते हुए इस हॉल से बाहर, बाहर से अंदर, धीरे धीरे आकर वापस बैठ कर नीचे। बहुत ध्यान से अपने आप को देखें, धीरे से नीचे बैठे हुए और उठकर वापस बैठ गए अपनी सीट पर। कंफर्टेबल करें अपने आप को इस शरीर में। गहरी सांस लेते हुए आ जाए वापस। थैंक यू। आर यू कंफर्टेबल? यस। तो अभी वापस हम सिमिलर एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा वेरिएशन हो जाएगा, थोड़ा एक लेवल के बाद में, ठीक है? इस बार ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है? देखिए अपने आप को, वापस उस कारपेट पर बिल्कुल आपके सामने। फील करें उस कारपेट को, अनुभव करें कि आप बहुत शांत और बहुत हल्के होकर इस पर बैठे हैं। सारी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए एकदम रिलैक्स होकर बहुत आराम से बैठे। अब देखिए धीरे धीरे इस कारपेट को ओढ़ते हुए ऊपर की ओर। देखिए इस कारपेट को पूरे हॉल में चक्कर लगाते हुए बहुत धीरे धीरे कोई गोल चक्कर लगाया और चला दरवाजे की ओर। दरवाजे से बाहर राइट की ओर धीरे धीरे, देखिए इस मेन दरवाजे से बाहर खुले आसमान में। देखिए अपने आप को बहुत ध्यान से कारपेट पर बैठे हुए, बहुत सुंदर कारपेट और आप उस पर बैठे हो। धीरे धीरे देखिए इस कारपेट को और ऊपर उठते हुए इस बिल्डिंग के ऊपर। देखिए चारों ओर आसपास के घर, बिल्डिंग्स, हिल्स, बहुत सारा ग्रीनरी। गोल गोल चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ते जा रहे हैं।
जैसे जैसे आप ऊपर उड़ रहे हैं, वैसे वैसे हर एक चीज छोटी छोटी होती जा रही है। बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ते हुए खुले आसमान में बहुत ध्यान से अपने आप को देखें, इस कारपेट को देखें, बहुत ठंडी हवा, बहुत कंफर्टेबल। आप धीरे से इस कारपेट पर खड़े हो जाते हैं और आप बहुत लाइट महसूस कर रहे हैं और आपने एक पैर कारपेट से बाहर निकाला और आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपने पैर कारपेट से बाहर निकाला, आप अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं विदाउट द कारपेट। तो धीरे से आपने दूसरा पैर उठाया और कारपेट से बाहर रखा, लाइक सुपरमैन आप इस कारपेट को पीछे छोड़ते हुए चले ऊपर की ओर, और इससे आपका और स्पीड तेज हो गया और चले आप बादलों के बीच। बहुत सुंदर राहत निकालते हुए बादलों से उड़ते जा रहे हैं, बादलों के बीच से देखिए अपने आप को फ्लफी व्हाइट क्लाउड्स, और उसके बीच से आप जाते हुए एक बहुत सुंदर अनुभव के साथ आप आ रहे हैं नीचे की ओर, धीरे धीरे खुले आसमान में। ऊपर से आप देख रहे हैं सागर के किनारे को, सुन रहे हैं सागर की लहरों को, कोकोनट ट्रीज, हर एक चीज आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं। वो ब्रीज, वो हवा महसूस कर रहे हैं। अब चले और ऊपर आसमान से घने जंगलों की ओर, जंगल के बीच से रास्ता निकालते हुए पंछियों की आवाज सुनते हुए वापस आसमान की ओर चले। आगरा देखे ताजमहल को ऊपर से चारों ओर, उसे चक्कर लगाया, चले हिमालय की पहाड़ियों के बीच, उस ठंडक को अनुभव करते हुए वापस ऊपर आसमान में एकदम फ्री ले चले अपने को आपकी हर एक फेवरेट जगह, दूर दूर तक चक्कर लगा के आए, देश विदेश, जैसे कोई एंजल आसमान में उड़ रहा हो, ऊपर से हर एक चीज देख रहा हो, बहुत लाइट, बहुत हल्का, बहुत फास्ट, दूर दूर तक चक्कर लगाते हुए वापस आ जाए आसमान में, खुले आकाश में, अपने शहर के ऊपर, चारों ओर चक्कर लगाते हुए आ जाए वापस इस बिल्डिंग के ऊपर, धीरे धीरे नीचे की ओर इस सीलिंग को क्रॉस करते हुए वापस अपने सीट पर। ओम शांति। सो नाउ गाइस, जैसे हम लोग बहुत बार ऐसे सुनते हैं ना कि डिटैच होना चाहिए, डिटैच होना चाहिए, सो यू अंडरस्टूड और एक्सपीरियंस दिस प्रोसेस? इज इट वेरी डिफिकल्ट? नो, जैसे लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं तो लोग कहते हैं ना कि डिटैचमेंट वर्ड बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन समझ नहीं पाते। सो दिस इज सिंपल, थोड़ा अपने क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से हम लोगों ने क्या किया उसको, बहुत इजीली हम लोग शरीर से बाहर जा रहे आ रहे, जा रहे आ रहे, समझो। सो नाउ अभी हमको यही प्रैक्टिस करनी है, बट इसको थोड़ा और थॉटफुली, थोड़ा और समझ के साथ करेंगे।
जैसे हमने अभी इस पूरे बॉडी के साथ में अपने को जाते हुए देखा, ऊपर आते हुए देखा, बट नाउ वी विल गो इन द कॉन्शियसनेस वाला फॉर्म. वो स्पार्कलिंग स्टार जो था ना शुरू में एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया, उसको यूज करते हुए, उसकी पावर को फील करते हुए हम वो करेंगे. ठीक है, चलेंगे? Yes. So this experience is going to be the most powerful experience जो आप कुछ कर एक्सपीरियंस कर पाएंगे अच्छे से, एक अलग तरीके से. जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने किया ना, जो लास्ट सेशन का लास्ट एक्सरसाइज था, सो वो होमवर्क वाला एक्सरसाइज था, 8 times करने के लिए बोला था थ्रू आउट द डे. तो आज का ये जो एक्सरसाइज हम लोग अभी करेंगे बहुत ध्यान से करेंगे, और उसको घर पे जाके पूरे दिन में 8 बार आपको करना है. सो यू कैन डू इट फॉर लाइक 2 minutes, 3 minutes, हाफ एन आवर, 15 minutes, जैसे आपको टाइम मिलता है वैसे करो. ठीक है, और सबसे ज़रूरी ये बात है कि आप जब भी आपको करना है कोई भी ऐसे मेडिटेशन प्रैक्टिस, तो आपके बॉडी को पहले तो रिलैक्स करो. नहीं तो क्या हो जाता है, हम लोग बैठ जाते हैं लेकिन पहले तो हमारा बॉडी स्टेबल नहीं हो पाता है, इधर उधर मूव करते रहते हैं, फलचें होती रहती हैं, तो फिर माइंड को भी थोड़ा फोकस होने में टाइम लगता है. तो इसीलिए अगर आपका बॉडी स्टेबल हो गया तो आपका माइंड भी, आप उसको क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से थॉट्स को सीक्वेंस करते हुए कुछ अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ठीक है, गहरी सांस लेते हुए एकदम कंफर्टेबल करें अपने आप को. और आपका पूरा ध्यान मस्तक के बीच चमकते हुए इस सितारे पर. बहुत ध्यान से अपने आप को देखें. मेरा ये ओरिजिनल स्वरूप, एक सुंदर सितारा. और देखिए उसकी सफेद लाइट पूरे मस्तक पर, आंखों पर, आपके गालों पर धीरे धीरे फैलती जा रही है. ये बड़ी शांति की बनी है, शांति की लाइट चारों ओर फैला रही है. अब धीरे धीरे मुझे इस मणि की लाइट को, इस सितारे की लाइट को सारे विश्व में फैलाना है. ये शांति का सितारा, शांति का प्रकाश पूरे शरीर में फैला रहा है. देखिए इस लाइट को फैलते हुए आपके पूरे बॉडी में, और आपके बॉडी से इस पूरे हॉल में. देखिए चारों ओर बहुत सुंदर सितारे, और उनसे फैलती हुई सफेद शांति की लाइट. ये पूरा हॉल सफेद लाइट में. लुक एट दिस ब्यूटिफुल स्टार स्प्रेडिंग द वाइट ब्राइट लाइट, लाइट ऑफ पीस. और धीरे धीरे ये लाइट फैल रही है इस बिल्डिंग के हर एक रूम में. देखिए इस मणि का प्रकाश इस बिल्डिंग को, हर एक बिल्डिंग के हर एक कमरे को प्रकाशित करते जा रहा है. आपसे निकलती है शांति की लाइट, बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग के बाहर फैल रही है. और ये सुंदर सितारा आपके मस्तक से धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ता जा रहा है, इस सीलिंग को क्रॉस करते हुए इस बिल्डिंग के ऊपर. देखिए ऊपर से ये सुंदर सितारा पूरे बिल्डिंग पर लाइट फैला रहा है. शांति की मणि, शांति की लाइट
इस पूरे परिसर में फैला रहा है। बहुत ध्यान से देखिए इस सितारे को और इससे निकलती हुई सफेद लाइट को, लाइट ऑफ पीस। जैसे आसमान में सूरज चमकता है, वैसे ही सितारा चमक रहा है। और जैसे जैसे इससे ये सफेद लाइट फैल रही है, उसकी चमक और बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे चले और ऊपर, और देखिए इस पूरे शहर को, हर एक व्यक्ति को, रास्ते पर चलने वाले लोग, ऑफिस में काम करने वाले लोग, घर पे बाहर, हर जगह हर एक व्यक्ति इस मणि की सफेद लाइट में, शांति की लाइट पूरे शहर में। देखिए धीरे धीरे ये लाइट फैल रही है आसपास के गांव में, हर एक शहर पर। धीरे धीरे देखिए इस सितारे को और ऊपर उड़ते हुए, हर एक गांव, हर एक शहर और छोटा नजर आ रहा है। और दूर दूर तक ये शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। हर एक व्यक्ति शांति का अनुभव कर रहा है। अब देखे इस सितारे को और ऊपर उड़ते हुए बादलों के बीच, उससे भी ऊपर इस ग्लोब से भी ऊपर, तारों के बीच ये सुंदर सितारा चमक रहा है, शांति की लाइट फैला रहा है। देखिए नीचे की ओर नीले, हरे, सफेद रंग में बहुत सुंदर विश्व का गोला। अब हमें सारे विश्व में शांति की लाइट फैलानी है। देखिए अपने आप को इस सितारे के रूप में और फैलाते जाए इस सफेद लाइट को पूरे विश्व में। देखिए आपसे निकलती हुई ये सफेद लाइट फैल रही है पूरे ग्लोब पर, आकाश में, और आकाश से धीरे धीरे पूरे वायुमंडल में। सागर, नदियां, धरती, सभी पेड़ पौधे, हर एक व्यक्ति पर सफेद मणि, सफेद शांति की लाइट फैलाती हुई। जैसे जैसे ये प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है, वैसे वैसे चारों ओर एक नया जीवन, नई चेतना निर्माण होती जा रही है। चारों ओर हर एक व्यक्ति शांति का अनुभव कर रहा है। सबके मन शांत हो रहे हैं, सारी चिंताएं दूर होती जा रही है। हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति शांति की शक्ति का अनुभव कर रहा है। और आप देख रहे हैं मैं सितारा इस सारी दुनिया से दूर देख रहा हूं,
हर एक सितारे को हर एक शरीर में अपना पार्ट प्ले करते हुए, जैसे सारा विश्व एक विशाल रंगमंच है और सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। फैलाते जाए इस शांति की लाइट को पूरे विश्व में। देखिए धीरे धीरे ये सितारा नीचे की ओर आ रहा है, इस ग्लोब में एंटर किया। आकाश से देखे इस सितारे को, सफेद शांति की लाइट फैलाते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर इस बिल्डिंग के ऊपर इस सीलिंग को क्रॉस करते हुए आकर स्थित हुआ मस्तक के बीच। शांति की लाइट पूरे शरीर में और इस शरीर से चारों ओर पूरे विश्व तक जा रही है। विश्व की हर एक आत्मा, हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी चारों ओर से आपको दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, दिल से शुक्रिया कर रहे हैं, बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं। ओम शांति। एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगा जब भी आप शांति में बैठेंगे। तो ये भी है ना, जैसे एक बहुत अच्छी बात मैं सुनाते रहता हूँ सबको कि सबके सेविंग्स अकाउंट है, सबके है, आप बताओ ना, मैं नहीं कुछ मांग रहा सबके है। yes. चलो बहुत अच्छा है। स्विस बैंक में भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना सेविंग्स अकाउंट में डालने के लिए। करेंगे मेहनत तो जब जाएगा उसमें कुछ, है ना। तो उसके साथ साथ ना अपना और एक होता है कि जैसे देखो कभी कभी बहुत ऐसे स्टोरी सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, उसमें देखो एक बहुत अच्छा रिच बंदा है, फाइनली डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है फिर, अब मेरा काम तो मैंने किया, अब दवा नहीं इसे क्या बचाएगी, दुआ बचाएगी। सो अभी आप चेक करना कि मेरा सेविंग्स अकाउंट तो है लेकिन ब्लेसिंग्स अकाउंट है क्या, और ब्लेसिंग्स अकाउंट है तो मैंने आज पूरे दिन में क्या जमा किया उसमें, किसी को हेल्प कर दिया, किसी को कोऑपरेट कर दिया, भले किसी की बात सुन भी ली, तो ये कोऑपरेट करना हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे किसी को हम सपोर्ट करते जाए या फिर कुछ अच्छा ब्लेसिंग्स अकाउंट में जमा करते जाए कि दिल से किसी की दुआ निकले, हाँ थैंक यू बहुत अच्छा किया इसने, मुझे टाइम पर सपोर्ट किया, हेल्प किया। तो अलग अलग तरीके से आप उसमें क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। सो सारे दिन में सेविंग्स में भले नहीं जमा हो रहा है लेकिन ब्लेसिंग्स में जमा होगा कि नहीं होगा, तो वो चेक करो और उसमें क्या करो, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। तो ये भी जैसे एक बहुत अच्छी सर्विस है, सेवा है, जहाँ पे हम भले तन से शरीर से जैसे कुछ कर नहीं पा रहे हैं लेकिन मन से बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स वाइब्रेशंस दे रहे हैं सारे विश्व को, और उनको जब शांति मिलेगी तो ऑटोमेटिक शांति किसको मिलेगी, आपका जमा हो रहा है यहाँ पे, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो फिर इसमें हम देखो बहुत सारी बार ऐसा होता है ना कि प्रॉब्लम्स आते हैं, लोग क्या करते हैं गुरुओं के पास जाते हैं, तो वो क्या सलाह देते हैं, आप इतने लोगों को ये करो, ऐसा करो वैसा करो, यही देते हैं ना सलाह। तो देखो उनको वो करेंगे, उनके लिए वो करेंगे कोई चीज़, तो वो क्या करेंगे, दिल से दुआ देंगे। तो वो वेट नहीं करो प्रॉब्लम्स आने का, ऐसा कुछ करने का वेट नहीं करो, उसके पहले अपना सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ ब्लेसिंग्स अकाउंट तो पूरा भरा हुआ रखो, तो कोई प्रॉब्लम्स आएंगे भी नहीं, और आएंगे भी तो ऑटोमेटिक वो ब्लेसिंग्स आपको ऐसा हेल्प करेगी कि उसमें लिफ्ट मिल जाएगी। कर सकते हैं, सबके साथ ये बात जरूर शेयर करना, ठीक है, पॉसिबल? yes. चलो अच्छा है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, मुझे बहुत खुश किया और बहुत अच्छे से मतलब ये पूरा प्रोग्राम आपने सक्सेसफुल बना।
Thank you so much. Thank you. Om Shanti.